है दांत का उल्टा चश्मा। ईमानदार व्यापारी जसवंत भाई और दवाई की कालाबाजारी करने वाला मदन लाल दोनों एक ही आदमी है। अरे कमाल करते हो, इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? मुझे कालाबाजारी करने वाला कहते हो, क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? अगर नहीं है तो मुझे जाने दो, मुझे बेवजह तुम इस तरह परेशान मत करो। बेवजह इतनी जल्दी भूल गए कि तुम दवाई की कालाबाजारी करते हो? देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूं। कौन है आप? ओह, हमें जानते भी नहीं हो, इतनी जल्दी भूल गए? कि अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे और भारती को जान से मारने की कोशिश की थी। आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों को जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हाँ, हमारे रिसोर्ट में मेरे साथ काम करने वाले करण को अपनी माँ के लिए 800 रुपए का इंजेक्शन 24,000 में खरीदना पड़ा। देखो, इन सब बातों से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप झूठे इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। देखिए, अगर आपने मुझे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की ना, तो मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगा, आपको कोर्ट के धक्के खिलवाऊंगा। बोलो, है कोई सबूत? अगर है तो दिखाओ, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब मुझे जाने दो। अरे बाप रे, कहां गया सबूत? सबूत नहीं मिला तो ये छूट जाएगा। देखो पपड़लाल, बिना सबूत के कानून के पंजे और पुलिस के डंडे भी कुछ नहीं कर सकते। तो पत्रकार पोपटलाल, अब मैं चलूं? बिना सबूत के तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते, और मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। और आप सब सारी जिंदगी परेशान रहोगे कि मदन लाल को पकड़ नहीं पाए। गुड बाय एवरीवन एंड नेवर सी यू। इंस्पेक्टर साहब, मैं जा सकता हूं ना? हाँ, जब सबूत नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं। एक मिनट रुको, सबूत है। मैं लेकर आता हूं। ये पोपट भाई कहाँ चले गए? क्या पता, समझ में नहीं आता क्या कर रहा है ये, क्या सबूत लाएगा, क्या बहानेबाजी कर रहा है ये। ये आजकल के पत्रकार नाम कमाने के लिए किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। प्लीज, मैं कहता हूं मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे रुको तो सही मदन जी, अब इतना देर रुके हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। ले आने दो पोपटलाल को सबूत, देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अब तक नहीं आया, कहीं भाग तो नहीं गया? भाग गया वो। आएगा आएगा। अरे एक मिनट रुक, वो पोपटलाल आ गया। हाँ, आ गया।
क्या भाई लाए सबूत? ये रहा सबूत। मेरे हर मौसम का साथी, मेरा हमदम, मेरा हम सफर, मेरा छाता।